हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने सभी टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ये टाइम में टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में कुछ फंक्शन आ रहे हैं, फैमिली फंक्शन, तो मैं डे टाइम में नहीं पढ़ पाऊँगी और मेरे लिए तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैंने अपना नाइट टाइम स्टडी प्लान बनाया है और कोशिश करूँगी कि मैं इसे फॉलो कर पाऊँ। और मेरे तो 100% रहेगा कि मैं इसे करूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए। और ये शायद इतना मेरा सेक्शन कवर नहीं कर पाएगा जैसे कि मैं डे टाइम में कर पा रही थी, कि मैं मेंस के भी कर पा रही थी और प्री का भी कर पा रही थी। बट यहाँ मेरा जो 1 वीक कैसा रहेगा कि मैं इसे भी हाफ पार्ट में डिवाइड करूँगी, तो चलो देखते हैं कि क्या है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो नाइट टाइम स्टडी प्लान है ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो डे टाइम में जॉब करते हैं और है ना, उनका टारगेट है बैंक में जॉब पाना, तो वो उनके लिए भी एटलीस्ट, मैं 100% तो नहीं कहूँगी बट है ना, कुछ परसेंट तक आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और आप, आई एम श्योर कि आप इसमें कुछ सेक्शन ज़रूर है ना आप कर पाएँ, तो अगर कर पाएँ तो प्लीज़ करना ज़रूर, और नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं। 8 to 10 PM परफेक्शन क्लासेस रहेंगी और वोकैब लर्न रहेगा। 10 to 11 PM मेरा प्री मॉक और रहेगा जिसमें RBI और SBI दोनों का रहेगा, क्योंकि RBI का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हम RBI और SBI दोनों पे ही फोकस करेंगे क्योंकि SBI का भी आने वाला है। और उसके बाद हम उसे एनालिसिस करेंगे और टारगेट यही रहेगा कि अपने मार्क्स अगर मेरे कम आ रहे हैं तो मैं उसे कैसे कवर करूँ, क्योंकि RBI का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। देन उसके बाद 12 to 1 AM तक मेरा रीजनिंग रहेगा जिसे मैंने 3x3 सेक्शन में डिवाइडेड किया है। 3 डेज मेरा प्री रहेगा एंड 3 डेज मेरा मेंस रहेगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे ना अच्छे से टाइम निकाल पाऊँ। तो ये जो वीक में मेरा जो सेक्शन रहेगा ऐसे ही डिवाइड रहेगा जिससे कि मेरा सेक्शन जो है वो बैलेंस रहे और मुझे एटलीस्ट कम से कम लॉस तो ना हो कि मेरा कुछ छूट रहा है। देन 1 to 2 AM मेरा मैथ रहेगा, इसे भी 3x3 में डिवाइडेड किया है मैंने, 3 डेज प्री एंड 3 डेज मेंस। देन उसके बाद 2:15 to 3:15 AM मेरा DI रहेगा जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज रहेंगी एंड 3 डेज प्री रहेगी, 3 डेज मेंस रहेगी। देन उसके बाद 3:30 to 4:30 AM मेरा इंग्लिश सेक्शनल रहेगा जिसमें मैं सेक्शनल टेस्ट दूँगी, फोकस मेरा इंग्लिश पे ही रहेगा क्योंकि वो मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, तो उसे मैं चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बने वो। देन आपका जो भी है तो आप उसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन 4:30 to 5:30 AM मेरा एरर क्लासेस रहेगा ऑन अन अकेडमी पे। देन उसके बाद मेरा 1 to 2 PM करंट अफेयर्स रहेगा एंड नेक्स्ट आवर मेरा अफेयर्स क्लाउड पे ही न्यूज़ रीडिंग रहता है, और उसके बाद मैं इसे नोट डाउन करती हूँ एंड लर्न करती हूँ। देन उसके बाद मेरा एवरी थर्सडे 1 mock रहता है, मेंस लेवल का मॉक देते हैं और उसे अच्छे से एनालिसिस करते हैं। और ये जो 1 वीक का टारगेट रहता है जिसमें हम इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GL तीनों चारों को कवर करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। एंड थैंक यू, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।